क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम लोग कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस और पेज नंबर पेज नंबर 14.123 पॉइंट वन टू थ्री पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन से आगे करेंगे इससे पहले का आपको पिछले वीडियोस में सारा मिल जाएगा और सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अभी तक हम लोग क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में काफ़ी अच्छा खासा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और सबके लिंक प्लेलिस्ट के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन uh, में दिए हुए हैं या आप डायरेक्टली प्ले में से भी जाके देख सकते हैं कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरी बुक के क्वेश्चन और उनके बुक के क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे थे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं लेटेस्ट एडिशन डी गोयल का जो लेटेस्ट आई आईएससी एडिशन है 2020 ट्वेंटी उसे पढ़ा रहा हूं अगर आपकी बुक में और मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर सेम नहीं है तो परेशान मत होइए। आप सिर्फ क्या करिए आगे पीछे कंपेयर करिए आपको आराम से वो क्वेश्चन मिल जाएगा दूसरी चीज अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तब भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीबीएसई की बुक और आई एस सी की बुक के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है नंबरिंग आगे पीछे है तो थोड़ा सा आपको नंबरिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा और ध्यान से देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन से आज स्टार्ट करते हैं यहां पे हमको कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल वन लैक नाइन टू थाउजेंड लॉन्ग टर्म डेट्स एटी थाउजेंड टोटल डेट्स

करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हुए हैं टोटल डेट्स में से अगर हम लॉन्ग टर्म डेट्स निकाल दें तो हमारी करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी भाई टोटल पूरा उधार इतना है उसमें से लंबे समय का उधार इतना है तो पूरे उधार में से लंबे समय का उधार माइनस कर दिया तो बचेगा क्या हमारे पास हमारे पास बचेगा जो छोटे समय के लिए उधार है मतलब करंट लाइबिलिटीज तो हमने ये फॉर्मूला एक सब इसको फॉर्मुलेट कर लिया करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स टू लैक्स में से एट्टी माइनस किया वन ,00 आ गया अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे ये हमने फार्मूला बना लिया करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी कंफ्यूज मत होइएगा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट कर चेंज करा फॉर्मुले को तो वन लाख नाइनटी टू थाउजेंड प्लस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड कितना आ गया थ्री लैख ट्वेल्व थाउजेंड फार्मूला सब्सटीट्यूट करा हमने टू पॉइंट सिक्स इज टू वन हमारा आंसर आ जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल फोर लैक एट्टी थाउजेंड ट्रेड पेबल टू लैक्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट फोर्टी थाउजेंड दिया हुआ है अभी देखिए वर्किंग कैपिटल दिया है ट्रेड पेबल्स दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है अब इसके बेसिस पे हम किस तरह से करंट लाइबिलिटी को आपका करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी अब हमको करंट लाइबिलिटी की जो वैल्यू है वो ट्रेड पेबल और बैंक और ड्राफ्ट दोनों जोड़ देंगे तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगा क्योंकि ये दोनों लॉन्ग टर्म तो है नहीं तो जाहिर सी बात है जब दोनों जुड़ेंगे तो टोटल करंट लाइबिलिटी निकल आएगी हमारी तो कितना हो गया टू लैक्स प्लस फोर्टी थाउजेंड टू लैख फोर्टी थाउजेंड और यही फार्मूला ये जो आपका वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला था वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज उसके बेसबेस पर हमने करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी कर दिया ठीक है तो हमारा आंसर कितना आया टू लैख सेवेंटी थाउजेंड में कर दिया आंसर आ गया क्वेश्चन क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं नंबर कैलकुलेट करंट रेशियो दो निकालने आपको करंट रेशियो भी निकालना है लिक्विड रेशियो भी निकालना काफी सारी चीज दी हुई है कैश एंड कैश इक्वेलेंट फोर्टी थाउजेंड ट्रेड रिसीवेबल टू लैख सेवेंटी थाउजेंड इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग लूज टूल्स थर्टी थाउजेंड एक लाख अस्सी हजार ठीक है अब इसमें इंक्लूडेड है अभी इस, इसी को आपको समझना पड़ेगा फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्वेंटी थाउजेंड वर्किंग कैपिटल टू लैक एट्टी थाउजेंड देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है सबसे पहले हमें करंट असेट्स कैलकुलेट करना है तो सारे करंट असेट्स हम ऐड कर लेंगे कैश एंड कैश इक्वलेंट्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स अगर आप मेरा पिछला वीडियो उठाकर देखेंगे और तो लेक्चर्स आपने अटेंड करे हैं तो उसमें ये चीज़ मैंने एकदम क्लियरली स्टेट करी हुई है कि ये

है, तो को करने के लिए आपका जो कैश और कैश इक्वेलेंट्स है और ट्रेड रिसीवेबल्स आपका लिक्विड रेशियो में आता है दोनों को हम ऐड कर देंगे डिवाइड कर दिया हमने करंट लाइबिलिटी से वन पॉइंट डबल फाइव इज टू वन ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन Calculate current ratio from the following working capital four eighty thousand, current assets six lakhs. इन्वेंट्रीज़ फोर लैक्स एंड ट्रेड रिसीवेबल वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एक लाख पचास हज़ार वर्किंग कैपिटल ये दिया हुआ है देखिए क्या क्या दिया है वर्किंग कैपिटल दिया है करंट असेट्स दिया है तो करंट लाइ अगर हम लोग नॉर्मल सेंस में देखें तो करंट लाइबिलिटी ऐसे ही निकाला जा सकता है फॉर्मूला हमारे पास आई हाँ है इवेंट्री दिया है ट्रेड रिसिवेबल दिया है हमसे बोला है करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कैसे करना है देखिए उसी तरीके से हमने करंट लाइबिलिटी पता कर ली जो 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 फॉर्मूला हमारे पास था वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ सो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल एक लाख बीस हजार आ गया करंट रेशियो का फॉर्मूले में हमने सीधा सीधा सब्सट्रीट्यूट कर दिया भाई भाई लाइबिलिटी आ गई और हमें दिया हुआ है बाकी से करंट एसेट्स की वैल्यू छः लाख रुपए दी हुई थी तो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया फाइव इज टू वन निकल करके आ गया बाकी जो चीज़ें दी हैं उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में कभी कभी एक्स्ट्रा भी दिया रहता है तो आप ये मत सोचिए कि सब दिया है तो सारी ही चीजें हम इंक्लूड करेंगे सब कुछ हमको दिखाना पड़ेगा कि कैसे क्या है फिर नेक्स्ट uh, क्वेश्चन था पचास हजार दिया आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशियो वॉज टू पॉइंट फोर इस टू वन एसरटेन दंट लाइबिलिटी एन वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट अब देखिए कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन देख लीजिए करंट रेशियो फॉर्मूला हमें मालूम है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी सो करंट असेट इज इक्वल टू फोर लाख टेन थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड पेमेंट हमने हटा दिया उसमें से क्योंकि भाई हमको चार लाख दस हजार में से पचास हजार माइनस करेंगे अब आफ्टर पेमेंट कितना हुआ तीन लाख साठ हजार दिस वॉज बिफोर पेमेंट दिस इज आफ्टर पेमेंट अब आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो की वैल्यू कितनी दी हुई है टू पॉइंट फोर इस टू वन ये हमको वैल्यू सॉरी थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया था टू पॉइंट फोर इज टू वन हमें वैल्यू दी हुई है तो अगर हम जो है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट करंट एसेट्स अपॉन अब कर इंटरचेंज करा सो करंट लाइबिलिटी तीन लाख साठ हजार अपॉन टू पॉइंट फोर इज इक्वल टू वन लाख फिफ्टी थाउजेंड हो गया वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी तीन लाख साठ हजार माइनस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो वर्किंग कैपिटल आपका दो लाख दस हजार निकल करके आ गया ठीक है उल्टा गए हैं चेंज करके मतलब फॉर्म सीधी चीज नहीं कैलकुलेट करनी थी अलग तरीके से इसको थोड़ा कैलकुलेट करना था नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फर्म परचेज गुड्स फॉर थर्टी थाउजेंड ऑन क्रेडिट आफ्टर दिस परचेज द करंट रेशियो वॉज थ्री टू वन अब करंट रेशियो दिया हुआ है एसटेन द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द परचेज देखिए जैसे अभी किया है उसी तरीके से करना है वो बिफोर था यह आफ्टर है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी करंट असेट्स इज इक्वल टू टू सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस थर्टी थाउजेंड गुड्स परचेजड ऑन क्रेडिट हिन्स इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड याद रखिएगा क्योंकि क्रेडिट पे है इसलिए यहाँ पे हम उसमें इन्वेंट्री इंक्लूड कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट कर लीजिए तो सात लाख पचास हजार आपका आफ्टर परचेज आ गया फार्मूला क्या था करंट एसेट्स इज करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन रेशियो दो लाख पचास हजार आ गया ठीक है अब क्या करना है आपने अब टू लैख वर्किंग कैपिटल में सब्सिट्यूट कर दीजिए करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू सात लाख पचास हजार माइनस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड फाइव लैक्स आ गया आपका सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ए मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसके आगे का आप लोग ट्राई करिएगा

अब फार्मूला क्या है क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी फिर सब्सटीट्यूट कर दीजिए फार्मूले में 1.5 पॉइंट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन वन लैख सिक्सटी थाउजेंड कितना आ गया सो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव इंटू वन लैख टू लैख फोर्टी थाउजेंड आ गया और इन्वेंटरीज का क्या है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ यही हमारी इन्वेंटरीज होती हैं एट्टी थाउजेंड ये निकल के आ गया ठीक है तो आज हम आपको 15 ए तक मैंने करा दिया है इसके आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करिएगा 15 बी 15 सी फिर उसके आगे की 16 17 वगैरह मैं हो सकेगा तो मैं कल करा दूंगा नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट कर देंगे मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ अगर आपकी बुक में और मेरी बुक में क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर नहीं मैच हो रहा है तो आपको सिर्फ अपनी बुक के आगे पीछे चेक करना पड़ेगा वही होगा क्योंकि एडिशंस चेंज होते हैं मेरी आई है अगर मान लीजिए आप सी के स्टूडेंट हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन सो बुक वही है सिलेबस भी वही है ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस ये है कि आपके क्वेश्चन नंबर और मेरी क्वेश्चन नंबर डिफरेंट होगा थोड़ा सा मैच करा लीजिए आराम से मिल जाएगा दो मिनट का टाइम लगेगा सो दैट्स इट फॉर टुडे कीप वॉचिंग कीप लर्निंग कीप शेयरिंग स्टे सेफ बाय बाय